हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस एच पी डेड प्रिपरेशन सीरीज का है आज पार्ट सिक्स जनरल नॉलेज सेक्शन जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पहला क्वेश्चन है आज का हमारा ड्यूरिंग विच ईयर हिमाचल प्रदेश एक्ट वॉज़ पासड हिमाचल प्रदेश एक्ट कब पास हुआ नाइनटीन सिक्सटी सेवन नाइनटीन सेवेंटी नाइनटीन सेवेंटी वन या फिर नाइनटीन फिफ्टी में तो हिमाचल प्रदेश एक्ट जो है वो पास हुआ था हमारा एटीन दिसम्बर नाइनटीन सेवेंटी को और फिर उसके बाद ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी नाइन्टीन सेवेंटी वन को हिमाचल प्रदेश भारत का अठारहवा राज्य बना ठीक है तो ये दो डेट्स हैं जो आपको याद करनी है जो एक्ट पास हुआ वो हुआ था नाइनटीन सेवेंटी को अट्ठारह दिसंबर को अगला प्रश्न है हमारा द ओनली कंट्री विच शेयर्स बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश ऐसा कौन सा देश है जो अपनी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है ठीक है चाइना तिब्बत पाकिस्तान नन ऑफ द वर्ल्ब तो जो एक देश है वो है चाइना और ये भी प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के किन ज़िलों के साथ चीन की सीमा लगती है है ना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास जिनकी बाउंड्री है जो चाइना के साथ लगती है ठीक है तो वो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे किन्नौर ओके और दूसरा है हमारा लाहौल एंड स्पीति इन दो डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वो चीन के साथ लगता है अगला प्रश्न है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज लोकेटेड रोहतांग दर्रा इनमें से किस श्रृंखला में है पीर पंजाल रेंज शिवालिक रेंज धोलाधार रेंज या फिर जस्कर रेंज तो वो हमारी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल रेंज यानी कि पीर पंजाल श्रृंखला और रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू घाटी को लाहौल एंड स्पीति घाटियों के साथ जोड़ता है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है हमारा द हाइस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश लाइज इन विच रेंज हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस श्रृंखला में है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की ओके तो वो है हमारी शिला ठीक है शिला पीक और शिला जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है किन्नौर ठीक है किन्नौर जिले में स्थित है और कौन सी रेंज में है वो है जंसकर रेंज में तो राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन डी नेक्स्ट वन इज़ द पिन पार्वती पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो पिन पार्वती चोटी है वो किस ज़िले में है लाहौल स्पीति कुल्लू किन्नौर या फिर शिमला तो ये है हमारे कुल्लू में स्थित नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज हैंगिंग वैली हैंगिंग वैली के नाम से किस वैली को जाना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा भी गया है हारकी दून वैली पिन वैली पांगी वैली या फिर नन ऑफ दीज तो ये वैली है हारकी दून वैली और कहाँ पर स्थित है ये स्थित है गढ़वाल हिमालयाज में और ये कहाँ पे है उत्तराखंड में ठीक है हिमाचल प्रदेश में नहीं है उत्तराखंड में स्थित है हर वैली नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस डज नॉट फ्लो इन हिमाचल प्रदेश रावी ब्यास झेलम या फिर चिनाब जो हमारी इंडस नदी है यानी कि सिंधु नदी है उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली ट्रिब्यूटरीज का आ, uh, हमें पता है जो इंडस की हैं रावी व्यास और चिनाव ये हिमाचल में बहती हैं परंतु झेलम जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं फ्लो करती है तो इसलिए सही आंसर होता है हमारा झेलम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर बिलासपुर जिला जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है सतलुज व्यास रावी या फिर बाणगंगा तो बिलासपुर जिला है हमारा सतलुज नदी के किनारे ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिफिशियल लेक इनमें से कौन सा मानव निर्मित झील है खजियार गोविंद सागर चंद्रताल पराशर लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि जो आर्टिफिशियल लेक है जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है वो भी इन्हीं में से है तो वो है हमारा गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश का ठीक है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी ओके विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फेमस एज लेक ऑफ मून लेक ऑफ मून इनमें से किसे कहा जाता है सूरज ताल चंद्र ताल, लामा डल लेक या फिर नाको लेक तो लेक ऑफ मून या फिर द मून लेक द मून लेक कहा जाता है चंद्रताल झील को और चंद्रताल है हमारे लाहौल स्पीति में स्थित नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट चूड़धार सेंचुरी इज लोकेटेड चूड़धार सेंचुरी कौन से जिले में स्थित है शिमला सिरमौर सोलन नन ऑफ द तो चूड़धार है सिरमौर जिले में ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर और चूड़धार पीक भी वहीं पर है द डांस स्वांग पीक इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वांग तेगी डांस है ये कौन से फेस्टिवल के टाइम परफॉर्म किया जाता है दशहरा दिवाली नवरात्रि या फिर शिवरात्रि तो ये परफॉर्म किया जाता है दिवाली के समय विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉन एज ऑल ओवर इंडिया फॉर रुमाल एम्ब्रॉयडरी अपनी रुमाल कढ़ाई के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है कांगड़ा कुल्लू चंबा या फिर सिरमौर तो हम सभी को पता ही है कि जो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो इसकी रुमाल कढ़ाई रुमाल कला के लिए फेमस है और इसलिए इसको जीआई टैग भी दिया गया है ठीक है जीआई टैग भी दिया गया है कौन से ईयर में 2007 में जो चंबा की रुमाल, चंबा का जो रुमाल है उसके लिए ठीक है तो ये भी हमें पता होना चाहिए राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस टेम्पल ज्वालामुखी सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो ज्वालामुखी मंदिर है ज्वाला माँ का मंदिर है वो कौन से जिले में है कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर मंडी तो ज्वाला माँ का मंदिर है कांगड़ा ज़िले में ठीक है एंड आपको ये बताना है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में शक्ति पीठ हैं वो कितने हैं और उन शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ ज्वालामुखी ही है ठीक तो है तो टोटल शक्ति पीठ कितने हैं हिमाचल प्रदेश में वो आपको बताने हैं साथ में उनके नाम भी बताने हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नुआला फोक डांस इज़ परफॉर्म्ड इन द वैली ऑफ जो नुवाला फोक डांस है वो कौन सी वैली का फेमस फोक डांस है है ना चंबा पांगी स्पीति या फिर किन्नौर तो नुवाला फोक डांस है चंबा का मेनली वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है और जो गद्दी समुदाय के लोग हैं वो इसको मेनली परफॉर्म करते हैं इन हिमाचल प्रदेश भूरी सिंह म्यूजियम इज सिचुएटेड इन भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में शिमला मंडी कांगड़ा चंबा तो ये स्थित है चंबा में नेक्स्ट okay. क्वेश्चन है हमारा स्वां रिवर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्वां नदी है स्वा नदी है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ऊना कांगड़ा हमीरपुर मंडी तो स्वा नदी है हमारी ऊना डिस्ट्रिक्ट में एंड इस नदी को कहा जाता है रिवर ऑफ याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेर इज द हाइएस्ट पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है हमारे हिमाचल प्रदेश में और वो कहाँ पर है हिडिम्बा मनाली हिक्किम लाहौल स्पीति हाटसर भरमोर करसोग मंडी तो ये स्थित है हिक्किम में ठीक है हिक्किम लाहौल स्पीति में वर्ल्ड्स हाइस्ट पोस्ट ऑफिस है नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड मिनी स्विट्जरलैंड किस जगह को कहा जाता है मनाली धर्मशाला कुफरी या फिर खजियार तो मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है खजियार को और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि धर्मशाला को और किस नाम से बुलाया जाता है तो धर्मशाला धर्मशाला को कहा जाता है लिटल लहासा लिटल लहासा के नाम से तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं बट पूछ लिए जाते हैं आपसे ठीक है तो इस सेक्शन में हमने जीके सेक्शन देख ली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और सेक्शन के बारे में डेली वीडियोस आ रही हैं तो आपने चैनल पर बने रहना है लाइक like करके जाना है चैनल को भी सब्सक्राइब करना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर